बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट कप केक, और जिसके लिए मैंने ये एक बोल ली है और इसमें मैं 3 अदद ये अंडे ऐड करने लगी हूँ। देखिए इसमें अंडे ऐड कर लिए हैं, उसके बाद मैं एक कप ये चीनी का वाइट शुगर है ये ऐड करने लगी हूँ। एक कप चीनी जो है ये ऐड कर ली है, और चीनी और अंडे जो मैंने ऐड किए हैं अभी इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। देखिए इनको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना हल करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करना है ताकि चीनी जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप चीनी जो है ये ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बस मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें चीनी बिल्कुल जो है ये मिक्स हो चुकी है, और अभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 कप मैदे का। ये देखें अभी इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है, और मैदा ऐड करके इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, ताकि गुठलियाँ ना बने। देखिए बड़ी अच्छी तरह मैंने इसको हल किया, आपने रुकना नहीं है। देखिए अभी मैं एक चुटकी जो है इसमें बेकिंग सोडा ऐड करने लगी हूँ, और 1/2 टीस्पून जो है ये मैं बेकिंग पाउडर का ऐड करने लगी हूँ, और इसको बड़ी अच्छी तरह से सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। और 1/2 टीस्पून जो है एक कोको पाउडर का ऐड करने लगी हूँ। देखिए अभी इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने रुकना नहीं है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, जब तक ये हल ना अच्छी तरह हो जाए मिक्स। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 कप दूध ऐड करने लगी हूँ। देखिए मैंने बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं बनी। इसको मोड में ऐड करना है अभी। देखिए बस मैंने अभी ले लिया एक मोड, और उसको मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये देखें इनको अच्छी तरह आपने ऑयल लगाना है, ताकि बेकिंग पेपर जो है इसमें ठीक तरह से चिपक जाए। देखें अभी 2 रह गए हैं, अभी मैं लास्ट वाले को लगाने लगी हूँ। अभी मैं इसमें बेकिंग पेपर रखने लगी हूँ। देखें बेकिंग पेपर जो है ये कंप्लीट कर लिए मैंने, और अभी इसमें ऐड करने लगी हूँ अपनी रेसिपी जो केक की बनाई थी। फर्स्ट में ऐड की है, करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह। देखें अभी दूसरे में ऐड करने लगी हूँ। माशाल्लाह से ये भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने सारे कप जो हैं ये फिल कर लिए। अभी मैंने एक कढ़ाई ली है, और उसमें मैंने एक बोल सा रखा हुआ है स्टील का, और आप स्टैंड भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर मैं ये
मोड रखने लगी हूँ और जो फ्लेम है उसको मैंने लो कर लिया है और अभी ढक्कन से बंद करने लगी हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला देखती हैं इनको कैसे रेडी होते हैं। बस हमारा टाइम जो है ये पूरा हो चुका है और अभी जो है मैं ढक्कन उठाने लगी हूँ और देखते हैं कि हमारे कपकेक जो है ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह, ये दिख रहे हैं माशाल्लाह से बड़े शानदार बने हैं और अभी मैंने एक ऐसी सिलाई ली है और मैं चेक करने लगी हूँ कि ये गिली है या खुश्क। अगर गिली हो तो फिर जो केक है कच्चा होता है, अगर खुश्क हो तो फिर पक्का होता है केक। ये देखें हमारी सिलाई जो है ये बिल्कुल खुश्क है और केक हमारा जो है रेडी हो चुका है। और आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको निकालना है। बस हमारे चॉकलेट कपकेक जो है ये रेडी हो चुके हैं और इनकी लुक देखें कितनी प्यारी है और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से ऐड की थी, अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें इतने सॉफ्ट बने हैं और इतने अच्छे बने हैं। ये देखें एकदम से निकल गए बेकिंग पेपर से। ये देखें इतने सॉफ्ट हैं और इतने अच्छे हैं। ये भी बड़ी आसानी से निकले हैं इसलिए कि मैंने ऑयल लगाया हुआ था मोड को। ये देखें और इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।